नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप SBI नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड कैसे फॉरगेट करेंगे ATM कार्ड के थ्रू। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने आपको बताया था कि आप SBI का लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं प्रोफाइल पासवर्ड के थ्रू। अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड पता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप लोग वहां से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम आपको लेकर चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन कर लेने के बाद हम यहां से सर्च बारे में आ जाएंगे और यहां पर सर्च करेंगे SBI नेट बैंकिंग। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहां सिंपली आपको क्लिक कर देना है retail.onlinesbi.com पर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग आ चुके हैं लॉगिन वाले पेज पर। तो यहां से आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर है कंटिन्यू टू लॉगिन, सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आपको फॉरगेट करना है अपना पासवर्ड, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर आ रहा है फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने एक नया पॉपअप विंडोज ओपन होगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर है फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स मांगेगा, उस डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। जैसे कि यहाँ यूजर नेम है, तो यूजर नेम में आपको अपना यूजर नेम डालना है, अपने स्टेट बैंक का लॉगिन यूजर आईडी जिसको कि आप लोग बोलते हैं उसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद है अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद है सेलेक्ट कंट्री, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसको भी यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी यहाँ पर कहा जाएगा डालने के लिए, तो सिंपली आपको उसको भी डाल देना है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो आपका जो रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ हो, मतलब आपके ब्रांच में अगर आपने अपने आधार कार्ड पे बाद में चेंजेज वगैरह कराया है, तो आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। और इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम फिलअप कर लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक OTP जाएगा, तो उस OTP को हम यहाँ पर डाल लेते हैं और यहाँ कन्फर्म पर हम क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शंस खुल कर आएंगे। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वह है यूजिंग ATM कार्ड, जो सेकंड वाला ऑप्शन है वह है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वह है रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवेशन। तो हमने यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड वाला वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। अगर आपको आपका प्रोफाइल पासवर्ड पता है तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और उसके थ्रू आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी प्रकार से। तो फिलहाल आज हम लोग ATM कार्ड से अपने SBI नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास तीन कार्ड शो हो रहा है। आपके पास जो भी कार्ड हो जो कि एक्टिवेट हो, उस कार्ड की डिटेल्स डालकर आप लोग अपना लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं बहुत ही इजी प्रकार से। सिंपली यहाँ पर हम कार्ड नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर है सेलेक्ट की एक बटन, और यहाँ कन्फर्म पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपकी कार्ड डिटेल्स दिखाई देगी सबसे ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने कार्ड का एक्सपायरी मंथ डालना है, एक्सपायरी ईयर डालना है, उसके बाद कार्ड होल्डर नेम डालना है, उसके बाद पिन डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड डालकर प्रोसेस पर क्लिक करना है। तो सारी डिटेल्स हम फिलअप कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे ही हम लोग ATM कार्ड की पूरी डिटेल्स डालने के बाद क्लिक करेंगे प्रोसेस पर, हम लोग आ जाएंगे इस पेज पर। अब हम लोगों को यहाँ से अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, स्पेशल करेक्टर सब मिला के होना चाहिए और वह कम से कम 8 करेक्टर का होना चाहिए। तो हम फटाफट यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है उसको कर लेंगे क्रिएट। तो आप लोग भी यहाँ पर बहुत ही ध्यान से क्रिएट कीजिएगा पासवर्ड। अगर आप लोगों को पासवर्ड भूलने की आदत है, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, फिर वहीं सेम पासवर्ड आप यहां पर क्रिएट करिएगा। यहां से आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, जिससे कि जो भी आपका पासवर्ड है वह हमेशा आपके पास रहेगा। तो फाइनली हम यहां पर अपना जो भी पासवर्ड है उसको हम यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर है योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। आपका जो SBI नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड है वह सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे हम आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए आईटी मस्ती यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।